करते हैं। आम आदमी पार्टी ने साउथ दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष शिखर राय पर पार्किंग माफिया से मिले होने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बावजूद साउथ दिल्ली के शॉपिंग मॉल और अस्पतालों में अवैध रूप से पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने घोटाले के आरोपों की जांच की मांग की है। साउथ दिल्ली इलाके में रोजाना शॉपिंग मॉल्स और अस्पतालों में अवैध रूप से 2,50,00,000 का पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। ये आरोप आम आदमी पार्टी ने सीधे एसडीएमसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शिखर राय पर लगाया। आम आदमी पार्टी के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बावजूद अवैध रूप से आम लोगों से पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है, जिसमें एमसीडी पार्किंग माफिया से साठगांठ किए हुए हैं। यहाँ पे बात सेटिंग की, 25,00,000 रुपए है मोटा मोटा पर डे का रेवेन्यू, 7,50,000 रुपए है साल का कलेक्शन, महीने का कलेक्शन। अब इतना जिसकी कमाई हो रही हो, इसको सेटिंग करने के लिए, इस मामले में डील करने के लिए कौन किसको कितना ऑफर करता है, ये मामला है यहाँ पे। तो सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कितने पैसे खाकर इससे क्या डील करी, इसकी जांच होनी चाहिए। अब और कोई दूसरी बात ही नहीं है, कोर्ट के आदेश की अवमानना करने के हद तक जाना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहाँ पे दाल पूरी काली है, दाल में कुछ भी काला नहीं। आम आदमी पार्टी के मुताबिक जब इस गंभीर मामले को सदन में उठाया गया तो सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं ने कमिश्नर का जवाब नहीं होने दिया। साउथ दिल्ली इलाके में तकरीबन 130 छोटे बड़े शॉपिंग मॉल्स और 40 अस्पताल हैं, जहां पर प्रत्येक घंटे के हिसाब से लोगों से पार्किंग शुल्क वसूला जाता है। आम आदमी पार्टी ने इस घोटाले के आरोपों की जांच की मांग की है। कि 19 फरवरी 2018 को एक्टिंग चीफ जस्टिस मैडम गीता मित्तल और सी हरिशंकर साहब की जब डबल बेंच की जब वो स्टेटमेंट या जजमेंट आ गई, उसके बाद 2016 वाली जो स्टेटमेंट है वो नल एंड वाइड हो जाती है, और ये उसको बेस बनाकर और ये जो ताजा हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसको नजरअंदाज करके, जैसा अभी दिलीप पांडे जी ने ये कहा कि कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ जो है कि, और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का की तरफ इशारा है। आम आदमी पार्टी के नेता इस मामले में कोर्ट से राहत की कोशिशों में जुटे हैं। एसडीएमसी में सक्रिय पार्किंग माफिया के जरिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी आलाकमान पर भी करप्शन का आरोप लगाया है। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से तरुण का